हेलो दोस्तों, कैसे हो यार? मैं अभी 8 बज रहे हैं और अभी बाज़ार साइड आ रखा हूँ। देखो यार, आज बाज़ार साइड कुछ अभी हो नहीं रहा था, कंटेंट मिल ही नहीं रहा था हमें। तो फिलहाल तो जैसा है कि मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, मावा कोट की तरफ के लिए जा रहा हूँ। उधर जो है रोकड़ भी पड़ता है रास्ते में, देखते रोकड़ में हमें कुछ चीज़ें मिलती है कि नहीं मिलती है कंटेंट बनाने लायक। वैक्सीनेशन जो है, घमनपुर गया था वैक्सीनेशन, तो आज 29 तारीख को वहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, टोकन भी नहीं मिल रहा है। तो देखो यार, अभी चल रहा हूँ मैं, देखते कुछ कंटेंट कंटेंट ढूंढते, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो मुश्किल ही वीडियो आ पाएगी आज यूट्यूब में। चलो फिर। हेलो दोस्तों, आज आ गए हम रोकड़ की तरफ। देखो ये जो है मऊकोट से जब हम जाते हैं बाज़ार बेला डाट की तरफ के लिए, तो यहाँ पर ये रोकड़ यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी बाइक चलाने में दिक्कत आती है। वैसे तो अगर कोई डेली आए इधर तो सीख जाएगा बाइक इधर ले जाना, लेकिन जो है फिर भी थोड़ा, आज इधर पानी भी हो रखा है, पानी आ रखा है, तो थोड़ा इधर देख लेते क्या क्या सीन चल रहा है। तो देखो ढलान है काफ़ी, इधर के साइड ढलान है और बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर दोनों हैं। यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे, यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐसे सीन रखा है, यहाँ पर काम भी चल रहा है। इधर जो है पुल बन रहा है, और जो पुल जो बनेगा तो इधर के साइड आसान हो जाएगा जाना। रुखड़ ये देखो पानी आ रखा है आज काफ़ी, बाइक ले जाना मुश्किल हो गया यहाँ, पानी पानी आ रखा है। इसको आराम से पार करते हैं भाई, ताकि जो है हमारा जूते ना भीगे, तो इधर आराम से जाना पड़ेगा। यार रखने इधर रखते हैं, इधर इधर इधर, चलो सब पहुँच गया। देखो यार कितना रोड बन रही है इधर, मैंने बाइक अपने ऊपर खड़ी कर रखी है। इधर ट्रैक्टर वाले भी आते हैं यार, यहाँ से जो है बजरी वगैरह ले जाते हो। बस यहाँ से ऊपर की तरफ गए, चढ़ाई शुरू हो गई। यहाँ पर अपनी बाइक, चलो जूते निकालने पड़ेंगे क्रॉस करते समय पानी को। इधर पानी आ रखा है, जूते निकाल देता हूँ सबसे पहले, को जो है भीग जाएंगे नहीं तो। इन जूतों को जो हम रखेंगे कहाँ रखेंगे, यहाँ बाइक में तो जगह भी कम होती है, इनको हम रखेंगे अपने हेलमेट के किनारे है, और एक इधर एक जूता इधर थोड़ी ऊपर। पैंट वगैरह हम थोड़े ऊपर कर देंगे, पैंट भी नहीं फटेगी। ये अपना जुगाड़ हो गया, चलो फिर चलते हैं आगे। तो भाई जो है हमने कर दी है नदी क्रॉस, नहर क्रॉस, नदी तो क्या कहेंगे। और अब जूते पहनते हैं, इधर यही है पानी आ रहा था हर समय, चाहे धूप हो या बारिश हो।
जो यहाँ पर पहनेंगे फिर चलेंगे। देखो आगे रास्ते जो है मऊकोट से पहले भी एक ऐसी पड़ता है रोखड़, बस फर्क यह है कि उसमें पानी नहीं आ रहता है और इसमें जो है पानी आ रहता है हर समय। देखो ये अब यहाँ पर ट्रैक्टर भी पहले आ रहा है, हम उससे पहले निकल जाएंगे। चलो फिर पहन लिया मैं जूते। ये देखो भाई यहाँ पर क्या बुरी हालत हो रखी है सड़कों की। ये जो है मऊकोट की तरफ जा रहा हूँ मैं बेलाडाट से, जो है रेत बजरी हर जगह फैली हुई है। यहाँ जो है अभी ड्रेनेज का काम चल रहा है तो उस वजह से जो है ऐसी सड़क हो रखी है। तो यहाँ जो भी आइएगा आराम से आइएगा, यहाँ जो है रुखड़ भी है और ये रेत बजरी भी है। इधर मैं कर्णाश्रम के अंदर आ चुका हूँ और ये जो है एंट्री गेट था, मैं इसके अंदर आ गया हूँ। अब आगे चलूँगा तो आगे की वीडियो जो है मैं अपने फ्रंट फेसिंग कैमरे से बनाऊँगा। तो अच्छा भाई फिर आ गए हम कर्णाश्रम साइट। तो ये जो है सीधे सीधे चल के, मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। चलो फिर शायद से रास्ता इधर है। यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे ग्राउंड है और भी है कई चीज़ें, फिलहाल तो मैं इधर जा रहा हूँ। देखो यार यहाँ पर जो है लंगूर वगैरह भी है और फेंसिंग कर रखी है। पेड़ है इधर, छाया काफ़ी अच्छी है और गेस्ट हाउस भी है इधर के साइड। और देखना पड़ेगा भी इधर जो है दिख रहा होगा, तो उन्होंने जैसे फेंसिंग कर रखी इधर। और यहाँ पर गार्डनिंग करने वाले लोग भी हैं। नमस्ते करने के लिए, हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जूते निकालने के लिए तो कुछ कह नहीं रखा है। यहाँ आप आपके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो चलो अब हम नए गेट में आ गए। देखो यार क्या ज़बरदस्त है, कैमरे को तो पता नहीं लेकिन यहाँ बड़ा गजब लग रहा है। तो देखो बैठने के लिए जगह भी है इधर और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर बड़ी कहानी जो है, यहाँ पर फोटो वगैरह काफ़ी लग रही है और भीड़ बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। देखो यार भारत माता की भी जो है इन्होंने स्टैचू बना रखा है, ध्यान गुफा भी है इधर। ऐसा रास्ता भी बताऊँगा मैं आपको,
ध्यान गुफा के अंदर जाते रहे भैया, कितना छोटा रास्ता है ध्यान गुफा के, देखिए दिख रहा होगा तो ध्यान गुफा जो है यहाँ पर जो है ध्यान गुफा, कृपया जूते चप्पल बाहर रखे, मौन रहकर शांति का अनुभव करें। चलो फिर हम भी अपने जूते चप्पल निकाल देंगे, जूते छिपकली भी है यहाँ पर तो यार, चलो जूते निकाल देता हूँ मैं अपने, फिर चलता हूँ इसमें। ये है ध्यान गुफा अपनी, अब इसमें चलते अंदर, देखते क्या मिलता है हमें। ये अभी हम चले गए, देखो कितनी छोटी है, जो है झुक के चढ़ना पड़ रहा है यार, दूसरे साइड निकलते कि कहाँ निकलते देखना पड़ेगा। इधर अंधेरा हो रखा है काफी, ये देखो यहाँ ये रास्ता फिर इधर निकल रहा है उत्तरी का, ये काफी यहाँ पर बहुत ज्यादा झुकना पड़ रहा है यहाँ पर तो। और देखो ये हम अब निकलने वाले दूसरी तरफ के लिए, ये देखो यहाँ गया, यहाँ निकल गए इधर से, यहाँ निकल गए इधर देखो। चलो यहाँ जूते पहन लेते अब, पूरा यहाँ पर कुछ स्टोरीज है भारत से रिलेटेड, कुछ स्टोरी उनके बचपन की कहानी यार। यहाँ लंगूर बहुत ज़्यादा है यार, स्टोरी और जो है थोड़ा यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं, धन्वंतरी मार्ग मंदिर जाने का मार्ग है इधर, देखो ये जो है ये तो फिर से गुफा है भाई, भगवान गणेश की मूर्ति लगा रखी है। बड़ी अच्छी जगह है, प्रकृति से रूबरू होने का जो है इससे बढ़िया यहाँ कर्णाश्रम में और कोई नहीं हो सकता है। देखो ऊपर पहुँच गए, नीचे जो हम यहाँ से रास्ते से आए थे वो ये है, देखो यार ये देखो यहाँ पर जो है मूर्ति है, दान पात्र भी है उधर, करना चाहेगा अगर कोई तो जरूर कीजिएगा। और देखो इधर जो है बहुत सारी इन्होंने जो है यहाँ पर योगा से संबंधित चीज़ें जो है या फिर हिंदू धर्म से संबंधित काफ़ी जो है इन्होंने लिखा भी है यहाँ पर, देख सकते हो आप यहाँ पर जैसे बहुत सारे। और ये है ये जो उस गुफा से जो हम आए थे उसका रास्ता जो है नीचे की तरफ है, और अब चलते हैं वापिस। और तो इधर चरक की भी जो है इनकी जो है इधर मूर्ति भी है, ऊपर जो है जो लगी हुई है तो मुझे तो वो रास्ता लगा था जो दीवार के पार है, लेकिन वो रास्ता नहीं है या तो झाड़ी लग रहा है। देखो जो यहाँ से व्यू है ऐसा दिखता है नीचे का, इस रास्ते हम आए थे और
जो है इस तरह से। चलो अब नीचे चलते हैं। निकल ले बस, बहुत हो गया वैसे। इधर पानी की भी काफ़ी व्यवस्था अच्छी है, 10-12 तो नल है यहाँ पर। देखो यार, जो यहाँ पर फेंसिंग कर रखी है ना, और यहाँ की जो ग्रीनरी है बहुत अच्छी है, और यहाँ जो है बिल्कुल शांत माहौल है, और लंगूर भी यहाँ बहुत है। थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, बाकी तो देखो अच्छा है सब। मुझे लगता है यहाँ के जो लोग हैं उनको ब्लॉगिंग की थोड़ी आदत है, इसलिए ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। देखो ये आ गए हम यहाँ पर, अब ये विश्राम गृह है, और यहाँ पर व्यायाम कराऊंगी बच्चे का। घूम लिया जितना घूमना था, बहुत है। यहाँ मैंने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है, चलो चलते हैं। ओके